हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू जीडीसी तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसमें हम कवर करने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स के पैकेजिंग पार्ट से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज सी क्यूज़ विथ एक्सप्लनेशन हम कवर करेंगे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ चलिए तो स्टार्ट कर देते हैं आज के इस लेक्चर को यहाँ पर हम क्या कवर करने, करने वाले हैं इसमें हम कवर करने वाले हैं पैकेजिंग मटेरियल से रिलेटेड जितने भी आपके एम होते हैं जो डिफ़रेंट डिफरेंट आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड आज हम क्या करने वाले हैं डिस्कशन करने वाले हैं चलिए तो स्टार्ट कर देते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा यहां पर क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है द कंटेनर यूज टू प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम कंटामिनेशन एंड एज वेल एज फ्रॉम लॉस ऑफ कंटेंट ड्यूरिंग यूज आर कॉल्ड यानी कि यहाँ पर सिंपल सा पूछा है कंटेनर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो कंटेनर है ऐसा कौन सा कंटेनर है इनमें से जो कि आपके प्रोडक्ट को कंटेमिनेशन होने से भी बचाता है और उसके लॉस होने से भी उसको बचाता है तो यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहला दिया हुआ है आपका क्या बैल क्लोज कंटेनर जी हाँ बेल क्लोज कंटेनर की बात हो रही है दैट मीन जो बेल क्लोज कंटेनर होते हैं ये आपके क्या होते हैं जनरली ये कंटामिनेशन से भी बचाते हैं प्रोडक्ट को प्लस आपके प्रोडक्ट का लॉस होने से भी प्रोडक्ट को बचाते हैं तो द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका वेल क्लोज कंटेनर एयर टाइट कंटेनर ये आपके जो आपका कंपाउंड है जो भी आपका प्रोडक्ट है उसको एयर से क्या करते हैं प्रोटेक्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो आपकी एयर्स होती हैं उनसे उनको प्रोटेक्ट करते हैं लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर यानी कि ये क्या करेंगे जो लाइट होगी उससे रेजिस्ट करेगा तो ये ऑप्शन तो दोनों ही गलत हो जाएंगे नेक्स्ट आपका क्या है मल्टीपल डोज कंटेनर मल्टीपल डोज कंटेनर जो होते हैं आपके इस टाइप के कंटेनर्स होते हैं जो कि आपके क्या किए जाते हैं जनरली उस प्रोडक्ट को मल्टीपल यूज करने के लिए यूज किए जाते हैं तो ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं है तो द करेक्ट आंसर इज बैल क्लोज कंटेनर ऐसा कंटेनर होता है जो कि किसी भी प्रोडक्ट को कंटामिनेशन होने से बचाता है प्लस उसको लॉस होने से भी बचाता है तो आई होप यहां पर सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी नेक्स्ट आपका तो करेक्ट आंसर क्या है आपका इज द करेक्ट आंसर तो यहां पर आप टाइप्स ऑफ कंटेनर की बात कर लेते हैं थोड़ा सा जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं एग्जाम से रिलेटेड फर्स्ट दिया है वेल क्लोज कंटेनर तो प्रोटेक्ट द प्रोटेक्ट फ्रॉम कंटामिनेशन एज वेल एज फ्रॉम लॉस ऑफ कंटेंट ड्यूरिंग यूज यानी कि ये आपके कंटामिनेशन से भी बचाता है प्लस लॉस होने से भी बचाता है वहीं हम टाइट क्लोज कंटेनर की बात करें तो ये आपका कंटामिनेशन होने से बच जाता है प्लस एक्सट्रेनियस लिक्विड एंड सॉलिड और वेपर से भी क्या करता है ये प्रोटेक्ट करता है इसी को हम क्या बोलते हैं टाइटली क्लोज्ड कंटेनर नेक्स्ट है आपका हर्मेटिकली सील्ड कंटेनर हर्मेटिकली जो आपके कंटेनर्स होते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो गैसियस डोजेस फॉर्म्स होते हैं गैस फॉर्म होते हैं उनसे आपके प्रोडक्ट को क्या करते हैं जनरली प्रोटेक्ट करते हैं नेक्स्ट है आपका लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर तो लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर का पर्पज़ होता है जो भी आपका प्रोडक्ट है उससे लाइट से कॉन्टेक्ट में ना आए लाइट को क्या करे वो रजिस्ट करे नेक्स्ट आपका दिया है क्या टेम्पर एविडेंट कंटेनर तो जो टेम्पर एविडेंट कंटेनर होते हैं इनका मेन पर्पस होता है कि जो भी प्रोडक्ट है उसको डैमेज होने से बचाएं प्लस ये क्या करते हैं ऐसी आपकी क्या होती है कंटेनर होती है जो कि आपके प्रोडक्ट को सेफ रखती है सिपिंग के टाइम पर और हैंडलिंग प्रोसेस के टाइम पर तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेनर इज जनरली यूज फॉर द सेफ्टी पर्पज ऑफ प्रोडक्ट इन सिपिंग एंड हैंडलिंग प्रोसेस तो याद रखिएगा वहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या टेम्पर एविडेंट कंटेनर तो आई होप यहां पर सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी और भी हमने कंटेनर को कवर कर लिया तो क्वेश्चन कहीं से भी बनेगा आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल आर यूज इन फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग यानी कि जो फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग्स होती हैं पैकेजिंग के कई टाइप्स होते हैं पैकेजिंग वन होता है पैकेजिंग टू होता है पैकेजिंग थ्री होता है जिनको प्राइमरी पैकेजिंग सेकेंडरी पैकेजिंग और टर्सरी पैकेजिंग के नाम से जानते हैं तो वहां पर बात हो रही है कि, कि किस टाइप के मटेरियल का यूज होता है तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस में फर्स्ट दिया हुआ है आपका क्या ग्लास जी हाँ आपके जो पैकेजिंग मटेरियल होता है वहां पर ग्लास का यूज किया जाता है नेक्स्ट आपका दिया है क्या प्लास्टिक प्लास्टिक भी आपकी यूज की जाती है और नेक्स्ट आपका मेटल्स तो ये तीनों ही आपके मटेरियल्स क्या किए जाते हैं यूज किए जाते हैं किसी भी पैकिंग को किसी भी प्रोडक्ट को पैक करने के लिए तो देख लेते हैं द करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑल ऑफ द अब अब तो आई होप ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन रहा होगा आप लोगों के लिए तो चलिए देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका डी आपका करेक्ट ऑप्शन है सारे ही मटेरियल क्या किए जाते हैं यूज किए जाते हैं तो यहां पर देख लेते हैं थोड़ा फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग की बात कर लेते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट पर्पज के अकॉर्डिंग आपके डिफरेंट डिफरेंट क्या होती हैं फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग होती है जैसे अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ डोजेज पैक्ड यानी कि कितने नंबर ऑफ डोजेज पैक्ड करने हैं उसके अकॉर्डिंग जो पैकेजिंग होती है वो डिफरेंट होती है जिसमें आपका सिंगल यूनिट कंटेनर आएगा सिंगल डोज कंटेनर यूनिट डोज कंटेनर मल्टीपल यूनिट कंटेनर तो दीज ऑल आर द ऐसे कंटेनर्स होते हैं ये आपके जो कि जनरली यूज किए जाते हैं डोज्ड पर्पज के लिए नेक्स्ट होता है अकॉर्डिंग टू प्रोटेक्शन ऑफर्ड यानी कि जो भी प्रोडक्ट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो आपके क्या यूज किए जाते हैं कंटेनर यूज किए जाते हैं उनमें आपके डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी हैं जैसे वेल क्लोज कंटेनर टाइटली क्लोज कंटेनर हर्मेटिकली सील्ड कंटेनर टेम्पर रेजिस्ट कंटेनर तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके क्या होते हैं कंटेनर्स होते हैं इनको आपको याद करना है प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है नेक्स्ट दिया है आपका अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन यानी कि जो भी मटेरियल है जिस टाइम पर आप जिस टाइप की मटेरियल का यूज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपकी पैकेजिंग अलग होती है तो जैसे आप पेपर यूज कर रहे हैं तो पेपर कंटेनर हो जाएगा ग्लास का यूज कर रहे हैं तो ग्लास कंटेनर हो जाएगा मेटल का यूज कर रहे हैं प्लास्टिक का यूज कर रहे हैं तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आपकी जो भी मटेरियल का आप यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो कंटेनर होगा वो डिफरेंट होगा तो आई होप कि ये पूरी आपको जो फ्लो है याद हो गया होगा अच्छे से याद कर लीजिएगा क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन गलत नहीं होगा चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहां पर आइडियल रिक्वायरमेंट फॉर पैकेजिंग इज यानी कि जो भी पैकेजिंग होती है उसकी क्या क्या आइडियल रिक्वायरमेंट होती है तो सारी चीज़ें हमें याद होनी चाहिए कि आइडियल रिक्वायरमेंट क्या होती है तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं तो सबसे पहली आइडियल रिक्वायरमेंट क्या होती है कि जो भी हमारा पैकेजिंग मटेरियल है वो हमारे प्रोडक्ट को कैसा रखे सेफ रखे उसको प्रोटेक्ट करे एक्सटर्नल एनवायरमेंट से प्लस आपका जो भी प्रोडक्ट है वो आपका क्या ना हो कंटामिनेट ना हो प्लस जो आपका प्रोडक्ट है उसका लॉस ना हो तो ये सभी क्या है आइडियल रिक्वायरमेंट है आपकी पैकेजिंग की और नॉन टॉक्सिक होना चाहिए किसी भी टाइप का डिग्रेडेशन नहीं होना चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है आपकी एफ डी अप्रूव्ड होना चाहिए तो ये सारी क्या है आइडियल रिक्वायरमेंट्स होती हैं चलिए देख लेते हैं अब हमारे क्वेश्चन को फर्स्ट दिया है टॉक्सिक जी नहीं अगर हमारा पैकेजिंग मटेरियल ही टॉक्सिक होगा तो डेफिनेटली हमारा प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा टॉक्सिक हो जाएगा जो कि पेशेंट के लिए हार्मफुल रहेगा तो ऐसा नहीं होना चाहिए तो ये आपका रॉन्ग ऑप्शन है नेक्स्ट दिया है आपका एफ डी ए जी हाँ जो भी आपके पैकेजिंग मटेरियल होते हैं वो एफ डी ए अप्रूव्ड होना चाहिए अदरवाइज हम उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं जब तक एफ डी अप्रूव्ड पैकेजिंग मटेरियल नहीं होगा तब तक उसको पैकेजिंग मटेरियल के लिए यूज़ नहीं किया जाएगा तो द करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका एफ डी और भी देख लेते हैं रिएक्टिव द प्रोडक्ट जी नहीं प्रोडक्ट के साथ रिएक्टिविटी नहीं होनी चाहिए कैसा होना चाहिए ये आपका जो भी मटेरियल है ये इनर्ट इन नेचर होना चाहिए क्योंकि अगर ये प्रोडक्ट के साथ रिएक्टिविटी शो करेगा तो कहीं ना कहीं जो हमारा कंपाउंड है जो हमारा प्रोडक्ट है वो आपका चेंज हो जाएगा उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है तो जो कि आपके जिस पर्पज के लिए यूज किया जाता है वो उस पर्पज के लिए यूज नहीं हो पाएगा तो ये भी आपका रॉन्ग आंसर है नेक्स्ट दिया है कॉज ऑफ प्रोडक्ट डिग्रेडेशन जी नहीं आपके प्रोडक्ट को डिग्रेडेट ना करे यही तो आइडियल प्रॉपर्टी है यहां तो बोल रहे हैं कि कॉज करे किसको डिग्रेडेशन कॉज कराए प्रोडक्ट की तो ये भी आपका रॉन्ग आंसर है तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है आपको आंसर मिल चुका था ऑलरेडी एफ डी अप्रूव्ड होना चाहिए बट क्वेश्चन में कहीं भी चेंजेस हो सकते हैं तो सारी चीजों को आपको अच्छे से कवर करना है ऑप्शन सभी को अच्छे से पढ़ना है आपको तभी आपको टिक करना है है ना बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि वो सिर्फ़ एक ऑप्शन को देखते हैं और उनको लगता है कि ये सही है वो उसको टिक करते हैं और आगे चल देते हैं तो ये नहीं करना है हमें गलती किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में हमेशा याद रखो जब तक सारे ऑप्शन आप ना देख लो सबको कंपेयर ना कर लो किसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है किसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है तब तक आपको क्वेश्चन को अटैम्प नहीं करना है क्लियर है चलिए देखते हैं तो द करेक्ट ऑप्शन इज बी आपका क्या है करेक्ट ऑप्शन है तो यहाँ पर ये आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं पैकेजिंग के जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इनको देख लेते हैं जो कि आपके इन फ्यूचर कभी किसी क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं दे मस्ट प्रोटेक्ट द प्रिपरेशन फ्रॉम एनवायरमेंटल कंडीशन यानी कि जो भी प्रोडक्ट है उनकी एनवायरमेंटल कंडीशन से वो क्या करे उसको प्रोटेक्ट करे पहला नेक्स्ट दिया है दे मस्ट नॉट बी रिएक्टिव विद द प्रोडक्ट वहां पर ऑप्शन में दिया था कॉज द रिएक्टिव प्रोडक्ट यानी कि जो आपका प्रोडक्ट है उससे रिएक्टिविटी शो करे लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए उसके बाद दे मस्ट नॉट इम्पार टू द प्रोडक्ट टेस्ट और ऑर्डर टेस्ट को चेंज ना करे ऑर्डर को चेंज ना करे दैट मीन यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट है जैसा है वैसा ही रहे उसमें कोई एक्सटर्नल चीजें क्या ना हो इंक्लूड ना हो ये मेन पर्पस होता है सिंपल सा सिंगल लाइन में अगर हम बात करें किसी भी पैकेजिंग मटेरियल की यानी कि जैसा हमने पैक किया है सेम वैसा ही हमको मिले दैट्स इट इतना काफ़ी है उसके साथ साथ दे मस्ट भी नॉन टॉक्सिक होना चाहिए दे मस्ट भी एफ डी एप्रूव्ड होना चाहिए और सारे जितने भी आपके जो पॉइंट्स दिए हुए हैं अच्छे से कवर कर लीजिएगा जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आई होप यहां तक सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका यहां पर क्या दिया हुआ है द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग इज यानी कि जो पैकेजिंग होती है उसका क्या फंक्शन होता है उसको समझ लेते हैं तो ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है टारगेट आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन को टारगेट करना जी नहीं यहां पर यह गलत ऑप्शन हो जाएगा नेक्स्ट है आपका टारगेट वैलिडेशन वैलिडेशन से यहां पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है आपका यह भी रॉन्ग गलत है आंसर नन ऑफ द अब इसका तो कोई ऑप्शन ही नहीं नेक्स्ट दिया है आपका क्या प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन जी हाँ कहीं ना कहीं हम पैकेजिंग इसलिए भी करते हैं इस परपज़ के लिए भी करते हैं जिससे जो हमारा प्रोडक्ट है हम उसको ईजिली आइडेंटिफाई कर पाएं तो आइडेंटिफिकेशन आपका एक पर्पज़ हो जाता है एक फंक्शन हो जाता है किसी भी पैकेजिंग का तो आई होप कि यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो क्या है आपका प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन तो द करेक्ट ऑप्शन इज सी आपका क्या है करेक्ट ऑप्शन है तो यहां पर आप देख सकते हैं फंक्शन और पैकेजिंग के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके फंक्शंस होते हैं सारी चीजों को सिर्फ सिंगल सिंगल बर्ड्स में कवर करने की कोशिश करेंगे प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन फर्स्ट फंक्शन होता है किसी भी पैकेजिंग का नेक्स्ट आपका दिया है फैसिलिटिंग द यूज ऑफ प्रोडक्ट यानी कि इजीली क्या हो वो ओपन हो जाए हैंडल करने में दिक्कत ना आए ये सारी चीज़ें आपकी कवर होती हैं किसमें फंक्शन और पैकेजिंग में नेक्स्ट आपका दिया है प्रोडक्ट प्रमोशन जी हाँ प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है जिसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है तो कहीं ना कहीं क्या होते हैं जो पेशेंट्स होते हैं वो उस प्रोडक्ट से अट्रैक्ट होते हैं दैट मीन उस प्रोडक्ट में जो आपका प्रोडक्ट है उससे अट्रैक्ट नहीं होंगे उस प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग है कहीं ना कहीं उससे अट्रैक्ट होते हैं कि उसका जो पैकेजिंग है वो बहुत ही अच्छा है तो ये प्रमोशन के लिए भी जनरली क्या होता है यूज होता है और मार्केटिंग के लिए भी आपका यूज होता है जितना अच्छा प्रोडक्ट दिखेगा उतना ही ज़्यादा बिकेगा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके ग्लास के टाइप से सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है टाइप थ्री ग्लास इज आल्सो नोन एज यानी कि टाइप थ्री ग्लास को और किस नेम से जानते हैं तो सबसे पहले इसको समझना जरूरी है कि ग्लास कितने टाइप्स के हैं फोर कैटेगरी होती है टाइप वन टाइप टू टाइप थ्री टाइप फोर ये चार कैटेगरी होती है आपकी किसके किसी भी ग्लास की जो हम यूज करते हैं फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में तो देख लेते हैं यहां पर क्या पूछा है टाइप थ्री के बारे में पूछा है सबसे फर्स्ट दिया है आपका सोडा लाइन ग्लास सोडा लाइन जो ग्लास होता है ये टाइप थ्री होता है जनरल पर्पज सोडा लाइन ग्लास जो होता है ये टाइप फोर होता है जनरल पर्पज आपको जहां दिख जाए वहां पर आप फोर नंबर क्या कर दीजिएगा तुरंत उसको दे दीजिएगा यानी कि फोर नंबर की कैटेगरी होगी वो ग्लास की नेक्स्ट आपका बोरोसिलिकेट ग्लास तो बोरोसिलिकेट ग्लास जो होता है ये वन होता है सिंगल होता है यानी कि वन टाइप ग्लास होता है ट्रीटेड सोडा लाइन ग्लास जो होता है ये आपका कैसा होता है सेकेंड टाइप ऑफ ग्लास होता है तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा ट्रीटेड से याद रखना टी और टी इज इक्वल टू टू यानी कि सेकेंड की बात हो रही है तो यहाँ पर तो आपको कोई कन्फ्यूजन होगी ही नहीं ठीक है और ये आपका हो गया क्या जनरली पूरा क्लासिफिकेशन किसका ग्लास का तो हमें कौन सा वाला ढूंढना था टाइप थ्री तो सोडा लाइम ग्लास फर्स्ट में ही दिया हुआ है आपका सोडा लाइम ग्लास तो द करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट तो ये याद कर लीजिएगा अच्छे से तो सोडा लाइम ग्लास आपका फर्स्ट टाइप का ग्लास होता है टाइप्स ऑफ ग्लास में फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ जनरल डिस्क्रिप्शन की बात करें तो टाइप ऑफ ग्लास थर्ड होता, होता, होता है और जनरल पर्पज सोडालाइन ग्लास आपका कौन सा होता है फोर्थ होता है अगर आपने ये चारों ग्लासेस को अच्छे से याद कर लिया तो क्वेश्चन कैसा भी पूछे आप इजिली उसको सॉल्व कर सकते हैं नेक्स्ट देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है प्लास्टिक कंटेनर आर जनरली मेड फ्रॉम द फॉलोइंग मटेरियल जो आपके प्लास्टिक होती है जो प्लास्टिक की पैकेजिंग की जाती है वो किसकी बनी होती है किस मटेरियल की बनी होती है उसको यहाँ पर डिस्क्राइब करना है तो फर्स्ट दिया है आपका क्या पॉली इथाइलिन पॉली इथाइलिन भी आपका यूज किया जाता है प्लास्टिक की मैन्युफैक्चरिंग के लिए यानी कि प्लास्टिक को बनाने के लिए सेकेंड आपका दिया है क्या पॉली प्रोपाइलिन जी हाँ पॉली भी आपकी यूज की जाती है और पॉली तो ये तीनों ही आपके क्या किए जाते हैं यूज किए जाते हैं प्लास्टिक को बनाने के लिए तो आई होप कि यहाँ पर द करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द राइट आंसर तो यहाँ पर आपको इजी होना चाहिए चीज़े, सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए आपको पता होना चाहिए कि ये तीनों ही आपके यूज किए जाते हैं किसके लिए

चलिए तो द राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा यह दिया है आपका क्या टाइप ऑफ कंटेनर और उनके कंपोजिशन तो हम बात कर रहे थे किसकी प्लास्टिक की तो प्लास्टिक में देखिए ऑफ पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड इसमें भी आपका क्या दिख रहा है पी दिख रहा है नेक्स्ट आपका क्या है पॉली पी पॉलीस्टाइलिन पी पोलिमाइड उसके बाद पोली पॉलीटेट्रा बस एक्सेप्ट आपका क्या है फ्लोरो थाइलिन आपको अच्छे से याद रखना है तो बस ऐसे याद रख लीजिएगा पी एफ प्लास्टिक को बनाने के लिए हमने क्या लिया था पी एफ लिया था पैसे नहीं थे ना प्लास्टिक बनानी थी तो क्या लिया था पी एफ लिया था तो कंफ्यूज नहीं होंगे ट्रिक के साथ आपको ये सारी चीजें भी याद भी हो जाएंगी तो पी फॉर प्लास्टिक पी एफ मतलब पी जितने भी हैं सारी चीजें और ऐप से याद रखना फ्लोरोलिन तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगी प्लास्टिक के कंपोजिशन में तो आई होप यहां पर आपको ऑप्शन के साथ साथ उनका पूरा एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से समझ में आ रहा होगा चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग पैकेजिंग मटेरियल इज प्रोटेक्ट द ड्रग कंटेंट अगेंस्ट द लाइट यहां पर क्या पूछा है कि कौन सा मटेरियल है जो प्रोडक्ट को आपके जनरली लाइट से क्या करता है प्रोटेक्ट करता है देख लेते हैं सबसे पहला दिया है क्या प्लास्टिक कंटेनर प्लास्टिक कंटेनर आपका यूज किया जाता है पैकेजिंग मटेरियल में बट ये किसी भी प्रोडक्ट को लाइट से रेजिस्ट नहीं करता है नेक्स्ट आपका क्या दिया है अंबर कलर्ड ग्लास कंटेनर जी हां हम सभी लोगों ने सुना है अंबर कलर के बारे में तो जो अंबर कलर के जितने भी ग्लास होते हैं वो यूज किए जाते हैं वाइडली यूज किए जाते हैं किसी भी प्रोडक्ट को लाइट रेजिस्ट बनाने के लिए ताकि कोई भी लाइट उस प्रोडक्ट से रिएक्ट ना करे तो द करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है ये दिया है नेक्स्ट क्या दिया है आपका बोथ ए एंड बी जी नहीं ए तो आपका रॉन्ग है बी आपका राइट right है तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया नेक्स्ट क्या है नन ऑफ द यहां इसमें से कोई भी नहीं ऐसा नहीं है तो ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हो गए सेकेंड नंबर का ऑप्शन क्या है आपका राइट right है तो इस तरीके से आपको ऑप्शन को क्या करना है सॉल्व करना है तो आई होप बी इज द करेक्ट आंसर तो यहां पर अंबर कलर ग्लास की बात कर लेते हैं अंबर कलर जो आपका बहुत ही वाइडली यूज किया जाता है इट ऑफर्स वेटर प्रोटेक्शन बिकॉज इट इज रिलेटिवली इम परमेबल टू एयर एंड मॉइस्चर ये आपके ना ही एयर को परमिट करता है ना ही मॉइस्चर को परमिट करता है दूसरी चीज ये आपका सिंपल सा क्या दिया हुआ है नो प्लास्टिक इज इंटायरली प्रोटेक्ट अगेंस्ट यूबी रेज एंड रेडिएशंस कोई भी प्लास्टिक आपकी जनरली यूबी रेज से और रेडिएशन से प्रोटेक्ट नहीं करती है बट अम्बड कलर जो होता है आपका ये प्रोटेक्ट करता है कैन प्रोटेक्ट इट्स कंटेन्ड फ्रॉम अल्ट्रावाटराइज टिन वेवलेंथ wavelength, कुछ वेवलैंथ की जो आपकी लाइट्स होती हैं जनरली उनको भी क्या करता है प्रोटेक्ट करता है और यूवी रेस से भी क्या करता है प्रोटेक्ट करता है तो इसीलिए हम अंबर कलर्ड ग्लास बोतल का क्या करते हैं यूज करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है यहां पर क्या सोडा एस इज ऑल्सो नोन एज वॉट इज सोडा एस जितने भी आपके ग्लास होते हैं उनका डिफरेंट डिफरेंट क्या होता है कंपोजिशन होता है जैसे आपका सिलिका हो गया सोडा एस हो गया उसी के साथ कलेट हो गए तो ये सब क्या है कंपोजिशन होते हैं उस कंपोजिशन से मिलके क्या बनता है आपका ग्लास बनता है तो उसी में पूछा हुआ है सोडा एस क्या होता है चलिए देख लेते हैं सोडा एस के बारे में तो सबसे पहला दिया है क्या सोडियम कार्बोनेट सोडा एस सोडा का मतलब क्या हो गया सोडियम और एस को मिला के पूरा बन गया क्या सोडियम कार्बोनेट तो नाम से ही आपको क्लियर हो जाएगा सोडा मतलब क्या सोडियम की बात हो रही है यहां पर और एस मतलब दोनों को मिला के क्या बन गया सोडियम कार्बोनेट को ही हम क्या बोलते हैं सोडा एस क्लियर हो गया सोडियम कार्बोनेट की एस यानी कि राख की बात हो रही है उसी को हम क्या बोल रहे हैं सोडियम कार्बोनेट नेक्स्ट दिया है प्योर सिलिका प्योर सिलिका जी नहीं प्योर सिलिका का मतलब क्या हो गया सैंड की बात हो रही है तो सैंड आपका ऑप्शन में नहीं है लाइम स्टोन लाइम स्टोन को हम बोलते हैं कैल्सियम कार्बोनेट याद रखिएगा इसको हम क्या बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट तो कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं लाइम स्टोन को और ऑप्शन लास्ट में दिया है कैल्सियम कार्बोनेट इसी को हम क्या बोलते हैं लाइम स्टोन बोलते हैं तो सोडा इसका मीन क्या हो गया सोडियम कार्बोनेट आई होप इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है यहां पर आपका ऑप्शन क्लियर हो गया होगा तो द करेक्ट आंसर इज ए आपका क्या है करेक्ट आंसर है तो ये दिए हुए हैं यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके कंपोजिशन जिसमें हमें डिस्कस करना है सिर्फ ग्लास के बारे में तो मिक्सचर ऑफ सैंड जिसको मैं क्या बोल रहा था सिलिका बोल रहा था सोडा एस की बात हो रही है यानी कि सोडियम कार्बोनेट लाइम स्टोन की बात हो रही है मतलब कैल्शियम कार्बोनेट और लास्ट में दिया है आपका कलेट्स तो कलेट्स भी आप कवर कर लीजिए ये तो सारी चीजें हमने कवर कर ली कलेट का मतलब होता है जो ब्रोकन ऑफ आपके पीसेस ऑफ ग्लास होते हैं यानी कि ग्लास के जो ब्रोकन पार्टिकल्स होते हैं पार्ट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं कलेट्स बोलते हैं जो कि यूज किए जाते हैं ग्लास को बनाने के लिए तो पूरा कंपोजिशन आपको यहां पर क्लियर हो गया होगा ग्लास से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहां पर विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोजर्स इज मेड फ्रॉम बार्क ऑफ ओक ट्री याद रखिएगा यहां पर पूछा है कि इनमें से कौन सा क्लोजर आपका यूज किया जाता है किससे बनाया जाता है आपके योक ऑक थ्री से आपका क्या बनाया जाता है ये क्लोजर बनाया जाता है तो चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं फर्स्ट दिया है आपका कॉर्क सेकंड दिया है प्रेस ऑन थर्ड दिया है फ्रेंड प्लग और फोर्थ दिया है टेम्पर एविडेंट क्लोजर तो याद रखिएगा जो आपका ऑक ट्री से बनाया जाता है वो क्या है आपका कॉर्क आपका क्या है कॉर्क क्लोजर जो होता है ये बनाया जाता है किससे ऑक ट्री से तो कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि ऑक ट्री से कौन सा क्लोजर बनाया जाता है तो याद रखिएगा कॉर्क क्लोजर आपका क्या बनाया जाता है ऑक ट्री से बनाया जाता है तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो तो जाएगा आपका यहां पर ए इज द करेक्ट ऑप्शन तो क्वेरकस श्यूबर द कॉर्क ऑर्क जिसे हम बोलते हैं तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं कॉर्क आपका क्या बोलते हैं क्लोजर बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है यहां पर मेजर डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लास एज ए पैकेजिंग मटेरियल आर यानी कि जो आपका ग्लास होता है जब हम उसको एज ए पैकेजिंग मटेरियल यूज करते हैं तो उसके क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं ये यहाँ पर पोर्सन में पूछा हुआ है फर्स्ट दिया है आपका हीट ट्रांसपेरेंसी जी हाँ हीट ट्रांसपेरेंसी आपका सबसे फर्स्ट क्या है जनरली डिसएडवांटेज है आपके ग्लास का नेक्स्ट दिया है इंपैक्ट रेजिस्टेंस जी हाँ रेजिस्टेंट इंपैक्ट भी आपका सेकंड क्या है डिसएडवांटेज है थर्ड है आपका कोरोजन ड्यू टू अल्कलाई सॉल्यूशन एल्कलाइज सॉल्यूशन की वजह से कोरोजन देखने को मिलता है तो ये भी आपका क्या है डिसएडवांटेज है किसका ग्लास का तो तो सम यहां पर देख लेते हैं द करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका डी ऑल ऑफ द क्या है आपके डिसएडवांटेज हैं किसके ग्लास के तो द करेक्ट ऑप्शन इज डी डी आपका क्या है यहां पर करेक्ट ऑप्शन है तो यहां पर डिफरेंट डिफरेंट आपके क्या दिए हुए हैं डिसएडवांटेज दिए हुए हैं तो ये आपने कवर करना है पूरे अच्छे से कोरोजोन ड्यू टू दल्कलाई सॉल्यूशन हीट ट्रांसपेरेंसी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके क्या दिए डिसएडवांटेज दिए इसको अच्छे से आपको कवर कर लेना है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है यहां पर जनरल पर्पज ग्लास इज अभी हमने बात किए थे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ग्लासेस के बारे में तो वहां पर हमने कई टाइप के ग्लास पढ़े थे हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिट ग्लास पढ़ा था उसके बाद ट्रीटेड ग्लास पढ़ा था उसके बाद हमने पढ़ा था बोरोसिलिट ग्लास सोडा लाइम ग्लास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमने क्या पढ़े थे ग्लास पढ़े थे अब उसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है जनरल पर्पज ग्लास तो जनरल पर्पज याद करिए मैंने क्या बताया था जनरली अगर आपको कहीं टर्म दिख जाए जनरल पर्पज कहीं आपको दिख जाए तो फोर्थ पर क्या कर दीजिएगा टिक कर दीजिएगा तो आपका फर्स्ट ये वाला नहीं है रॉन्ग है सेकंड भी आपका रॉन्ग थर्ड भी आपका रॉन्ग क्योंकि इसमें हाईली रेजिस्टे आते हैं बोरोसिलेट आते हैं सोडा लाइम ग्लास आते हैं जनरल पर्पज के लिए आपका कौन सा होता है टाइप फोर ग्लास होता है जो कि जनरल पर्पज के लिए यूज किया जाता है तो द करेक्ट ऑप्शन क्या है यहां पर आपका डी इज द करेक्ट ऑप्शन यहां पर देख लेते हैं आपके हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिट ग्लास आपका फर्स्ट होता है ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास आपका कैसा होता है सेकंड होता है सोडा लाइम ग्लास थर्ड होता है और जनरल पर्पज सोडा लाइम ग्लास आपका कैसा होता है फोर्थ होता है तो आई होप यहां पर सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी और आपको ये जो आपका टेबल है ये याद भी हो गया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कंपोजिशन ऑफ ग्लास इज यानी कि जो ग्लास होता है उसका क्या क्या कंपोजिशन होता है तो अभी हमने जस्ट कवर किया था उसमें आपका सिलिका होता है उसके बाद आपका क्या होता है सोडा एस होता है उसी में आपका क्या होता है जनरली कलेट्स होता है तो ये डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं कंपोजिशन होते हैं लाइम स्टोन होता है तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है सबसे फर्स्ट दिया है सेंट जी हाँ सेंट को ही हम क्या बोलते हैं सिलिका बोलते हैं तो याद रखिएगा कंफ्यूज नहीं होना है हमें सिलिका दिया हो सेंड दिया हो आपका ऑप्शन सेम ही होगा सेकंड दिया है आपका सोडा एस जिसको हम क्या बोल रहे थे सोडियम कार्बोनेट बोल रहे थे नेक्स्ट आपका क्या दिया है लाइम स्टोन एंड कलेट्स तो लाइम को क्या बोल रहे थे कैल्सियम कार्बोनेट बोल रहे थे और कलेट का मतलब ब्रोकन पीसेस ऑफ आपके किसके ग्लास के क्या बोलते हैं कलेट्स बोलते हैं तो सारे ही आपके क्या है कंपोजिशन है तो द करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑल ऑफ द अब यानी कि ऑल ऑफ द अब क्या है हमारा राइट right आंसर है तो यहां पर कंपोजिशन में हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी कि ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी तो ये आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन आपका क्या पूछा हुआ है यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्मोप्लास्टिक यानी कि इनमें से कौन सा वाला कंपाउंड आपका थर्मोप्लास्टिक है तो थर्मोप्लास्टिक की बात हो रही है सबसे पहला दिया है आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसे हम पीवीसी बोलते हैं सेकंड दिया है आपका पॉली यूरिथेन थर्ड है आपका पॉली और फोर्थ है आपका एपॉक्सीज तो याद रखिएगा जो पीबीसी होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड जो होती है वो आपका कैसा होता है थर्मोप्लास्टिक होता है तो द करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहां पर आपका ए इज द राइट आंसर यहां पर देख सकते हैं थर्मोप्लास्टिक आपका थर्मोप्लास्टिक का लीनियर और स्लाइटली चेन पॉलीमर होता है कैसा होता है लीनियर और स्लाइटली चेन पॉलीमर होता है दूसरा आपका एग्जाम्पल फॉर थर्मोप्लास्टिक जितने भी आपके थर्मोप्लास्टिक होते हैं उनके एग्जाम्पल की बात करते हैं पॉलीथीन, पॉलीप्रोपाइलीन पॉलीस्टाइरिन और आपके पीबीसी ये जितने भी पीपी वाले होते हैं ये सब कैसे होते हैं थर्मोप्लास्टिक होते हैं याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहां पर ट्रीटेड लाइम ग्लास इज सारे ही ऑप्शंस दिए थे हमने ट्रीटेड सोडा सोडालाइन ग्लास मैंने क्या ट्रिक बताया था सिंपल सा बताया था कि टी फॉर ट्रीटेड इजिकल टू जब आप करेंगे तो क्या आएगा टू तो टू मतलब टू की बात हो रही है यानी कि टाइप टू ग्लास की बात हो रही है बहुत ही ईजी हो जाएगा आप अगर इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट दिया है आपका टाइप वन सेकेंड दिया है आपका टाइप टू टाइप टू आपका राइट है टाइप थ्री आपका क्या है रॉन्ग है और टाइप फोर भी आपका क्या है रॉन्ग है तो इस तरीके से आप इतने सिंपल क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं ईजिली सॉल्व कर सकते हैं अगर आप अच्छे से कवर करते हैं तो तो चलिए देख लेते हैं द करेक्ट ऑप्शन इज क्या है आपका बी इज द करेक्ट ऑप्शन है तो ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास यहां पर एक चीज़ और याद रखिएगा टाइप ऑफ टेस्ट में अगर हम बात करें तो जो आपका टाइप टू होता है सिर्फ उसी के लिए हम यूज करते हैं वाटर अटैक टेस्ट बाकी सभी के लिए पाउडर ग्लास क्या करते हैं हम जनरली टेस्ट यूज करते हैं

क्योंकि टाइप टू में आपका ट्रेटेड होता है टाइप थ्री में आपके क्या आते 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 हैं 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 जनरली सोडा लाइम ग्लास ग्लास और फोर्थ में जनरल तो द करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बोरोसिलेट ग्लास so आपका राइट right आंसर है तो ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन तो यहां पर आप डिफरेंट डिफरेंट ग्लासेस देख सकते हैं बोरोसिलिट ग्लास हो गया उसके बाद जनरल पर्पज हो गया डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके ग्लास देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है यहां पर फॉलोइंग इज यूज एज वर्ल्किनाइजिंग एजेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर क्लोजर यानी कि इनमें से कौन सा वाला कंपाउंड यूज किया जाता है एज ए वर्किननाइजिंग एजेंट किसमें आपकी रबर की मैन्युफैक्चरिंग में तो ऑप्शन देख लेते हैं फर्स्ट दिया है आपका क्या सल्फर सेकेंड दिया है एक्टिवेटेड कार्बन ब्लैक थर्ड दिया है आपका प्लेटिनम और फोर्थ दिया है स्टेरिक एसिड तो याद रखिएगा वर्किनाइजिंग एजेंट आपका जनरली जो यूज किया जाता है आपके किस में रबड़ की मैन्युफैक्चरिंग में तो वहां पर यूज किया जाता है आपका क्या सल्फर सल्फर यूज किया जाता है आपकी रबड़ रबड़ की प्रिपरेशन में को प्रिपेयर करने में तो उस टाइम पर वहां पर वर्किनाइजिंग एजेंट के थ्रू आपका यूज किया जाता है एज ए वर्कनाइजिंग एजेंट यूज किया जाता है तो द करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए इज द करेक्ट ऑप्शन वर्कनाइजिंग गिफ्ट रबड़ इट्स कैरेक्टरिस्टिक इला इलास्टिक क्वालिटी यानी कि जो वर्कनाइजिंग एजेंट्स होते हैं ये क्या करते हैं जो रबड़ होती है उस रबड़ को इलास्टिकसिटी क्या करते हैं प्रोवाइड कराते हैं क्वालिटी वाइज अच्छी क्वालिटी की इलाट्रिसिटी क्या करते हैं है. जो रबड़ होता है काफी इलास्टिसिटी होती है उसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है यहां पर द एडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक कंटेनर्स ओवर ग्लास कंटेनर्स आर यानी कि जो प्लास्टिक कंटेनर होते हैं उनकी अगर हम बात करें तो उनके एडवांटेज की बात हो रही है किसके कंपैरिजन में ग्लास के कंपैरिजन में तो डेफिनेटली अगर हम ग्लास की बात करते हैं तो माइंड में एक चीज़ तो आई जाती है कि ग्लास जो होता है थोड़ा सा हैवी होता है प्लास्टिक जो होती है थोड़ा सा कैसी होती है वो आपकी लाइट वेट होती है दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि जब हम ग्लास की बात करते हैं तो ब्रोकन टर्म तो ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में आ जाता है कि टूटने के चांसेस ज्यादा होते हैं वहीं प्लास्टिक में आपका ब्रोकन नहीं होता है बहुत रेयर चांस होते हैं मीन्स ऐसा नहीं है कि प्लास्टिक नहीं ब्रेक होता है टूटता है बट ग्लास के कंपैरिजन में बहुत जल्दी ब्रेक नहीं होता है तो ये सभी क्या है एडवांटेज हैं किसके प्लास्टिक के तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर फर्स्ट दिया है क्या लाइट वेट जी हाँ जो प्लास्टिक होता है वो ग्लास के कंपैरिजन में कैसा होता है लाइट वेट होता है पहला एडवांटेज होता है सेकंड दिया है रेजिस्टेंस टू ब्रेकेज यानी कि जो आपकी ब्रेकेज होती है वो बहुत कम होती है रेयर चांस होता है आपका किसमें प्लास्टिक में ग्लास के कंपैरिजन में नेक्स्ट दिया है आपका फ्रीडम ऑफ डिजाइन जी हाँ जो ग्लास होते हैं उनमें बहुत ज्यादा डिजाइन आपको देखने को नहीं मिलेंगे वहीं हम प्लास्टिक की बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको डिजाइन देखने को मिल सकते हैं तो किस टाइप का भी आप डिज़ाइन क्या कर सकते हो उसका बना सकते हो तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑल ऑफ एडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक कंटेनर इसको अच्छे से आपको कवर करना है इट इज रेजिस्टेंट टू कोरोजन कोरोजन से रेजिस्ट करता है दैट मीन कोरोजन नहीं होता है यहाँ पर नेक्स्ट आपका इट्स प्रोडक्शन कॉस्ट इज लो चीप होता है बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है तो ये सभी क्या है आपके एडवांटेज होते हैं किसके प्लास्टिक कंटेनर के नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है यहां पर एरोसोल्स कंटेनर्स आर मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग विच मेटल यानी कि जो एरोसोल्स होते हैं आपके वो आपके जो बनाए जाते हैं मोस्टली किस मेटल का यूज किया जाता है तो वो आपका ऑप्शन में पूछा हुआ है तो फर्स्ट दिया है आपका तीन प्लेट सेकंड आपका एल्यूमिनियम थर्ड आपका व्रेस और फोर्थ है ऑल ऑफ द या फिर ऑल ऑफ तो याद रखिएगा जो आपके कंटेनर्स होते हैं बाइडली यानी कि यूज किए जाते हैं आपके कि किसके बनाए जाते हैं वो एलुमिनियम के बनाए जाते हैं तो यहां पर द करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन याद रखिएगा एज द वर्ल्ड इज मूविंग फॉरवर्ड टू मोर मॉडर्न यहां पर याद रखिएगा एल्यूमिनियम क्या किया जाता है यूज किया जाता है और एक क्वेश्चन है भी बन सकता है परसेंट प्योर एल्यूमिनियम शीट क्या की जाती है यूज की जाती है कंटेनर को प्रिपेयर करने के लिए कंटेनर को बनाने के लिए तो आई होप यहां पर आपको ऑप्शंस का आंसर मिल गया होगा नेक्स्ट दिया है यहां पर ऑप्शन क्या आपका प्लास्टिक कंटेनर्स आर स्टलाइज यूजिंग जितने भी आपके प्लास्टिक कंटेनर्स होते हैं उनको किसके थ्रू आपका स्टेलाइज किया जाता है तो ये आपका किससे क्वेश्चन पूछा है स्टेडलाइजेशन से पूछा हुआ है तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्टेडिलाइजेशन होती है और रेडिएशन के थ्रू भी हम स्टेलाइज करते हैं ऑटोक्लेव के थ्रू भी स्टेलाइज करते हैं स्टीम ऑटोक्लेव के थ्रू भी हम क्या करते हैं जनरली आपका स्टेलाइज करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट आपके क्या होते हैं स्टेडलाइजेशन होते हैं ड्राई हीट होता है मॉइस्ट हीट होता है डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल होते हैं तो यहाँ पर बात कर लेते हैं किसके बारे में हॉट एयर ओवन के थ्रू जी नहीं हॉट एयर ओवन में अगर हम प्लास्टिक को यूज़ करेंगे तो वो प्लास्टिक आपकी जनरली स्प्राइल तो नहीं होगी प्लास्टिक ख़राब जरूर हो जाएगी नेक्स्ट दिया है आपका ब्लीच ब्लीच का यूज़ नहीं करते हैं प्लास्टिक के लिए नेक्स्ट दिया है आपका इथाइलिन ऑक्साइड जी हाँ इथाइलिन ऑक्साइड का यूज़ करते हैं हम किसके लिए जनरली आपकी प्लास्टिक को स्टरलाइज करने के लिए प्लस यहाँ पर हम क्या क्या यूज़ करते हैं आपका ऑक्साइड के साथ साथ रेडिएशन का भी यूज करते हैं रेडिएशन के थ्रू तो भी हम प्लास्टिक को क्या करते हैं करते हैं और रेडिएशन के साथ साथ आपका जी हाँ, ही ऑप्शन अगर आपको कहीं दिख रहे हैं तो आप उन पर टिक कर सकते हैं लेकिन यहां पर आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन देखने को मिल रहा है इथाइलिन ऑक्साइड तो ऑल ऑफ तो गलत हो जाएगा तो द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी इज द करेक्ट आंसर तो आई होप यहां पर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा सी इज द करेक्ट आंसर है आपका तो यहां पर बेसिक अप्रोचेस की अगर मैं बात करूं तो थ्री बेसिक अप्रोचेस होती हैं। इथाइलिन ऑक्साइड उसके बाद रेडिएशन रेडिएशन में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी रेडिएशन यूज की जाती है प्लास्टिक को स्टेलाइज करने के लिए तो फर्स्ट दिया है आपका गामा रेडिएशन सेकंड दिया है इलेक्ट्रॉन बीम रेडिएशन तो ये दो रेडिएशन आपके वाइडली यूज किए जाते हैं किसके लिए प्लास्टिक को स्टेलाइज करने के लिए नेक्स्ट आपका दिया है क्या स्टीम ऑटो तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है आपको अच्छे से क्या करना है कवर करना है क्वेश्चन कहीं से भी बने आप उसको इजिली सॉल्व कर पाए नेक्स्ट देखते हैं यहां पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है यहां पर कलेट्स आर ए तो कलेट्स क्या होते हैं कलेट्स आपका क्या होता है कंपोजिशन होता है जो कि ग्लास को प्रिपेयर करने के लिए ग्लास को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज किया जाता है तो यहीं पर बात हो रही है कलेट्स के बारे में फर्स्ट दिया है ब्रोकन ग्लास पीसेस जी हाँ जो ब्रोकन ग्लास होता है उसी के पीसेस होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं कलेट्स बोलते हैं ब्रोकन मेटल पीसेस जी नहीं मेटल पीसेस को हम कलेट्स नहीं बोलते हैं ब्रोकन ग्लास एंड मेटल पीसेस दोनों की बात हो रही है यानी कि ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा क्यों क्योंकि ग्लास के पीसेस को तो बोलते हैं लेकिन मेटल के पीसेस को नहीं बोलते हैं इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा नेक्स्ट दिया है ब्रोकन प्लास्टिक पीसेस प्लास्टिक पीसेस को भी हम नहीं बोलते हैं तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए ए इज द राइट आंसर यानी कि ब्रोकन ग्लास पीसेस को ही हम क्या बोलते हैं जनरली कलेट्स बोलते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं ग्लास को प्रिपेयर करने के लिए तो करेक्ट ऑप्शन इज ए द मीनिंग ऑफ कलेट इज ब्रोकन और रिफ्यूज ग्लास नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है यहां पर विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नॉट यूज इन फूड पैकेजिंग यानी कि इनमें से कौन सा वाला मेटल है जो कि यूज नहीं किया जाता किसके लिए फूड को पैक करने के लिए फूड की पैकेजिंग के लिए सबसे फर्स्ट दिया है आपका एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम आपका यूज किया जाता है नेक्स्ट आपका क्या दिया है आयरन आयरन आपका यूज नहीं किया जाता टीन आपका यूज किया जाता है और क्रोमियम आपका क्या किया जाता है यूज किया जाता है तो यहाँ पर बात हो रही है किसकी आयरन की सर आयरन यूज क्यों नहीं किया जाता उसका रीजन ये है डियर यहाँ पर जो आयरन है आपका आयरन को जब हम पैकेजिंग मटेरियल में यूज करेंगे किसमें फूड पैकेजिंग मटेरियल में तो आयरन में कोरोजन होने एरोजन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं इसी वजह से इरोजन का मतलब रस्टिंग ऑफ आपका आयरन आयरन का जो रस्टिंग होती है उसी को हम क्या बोल रहे हैं है. तो है, 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 ये आपको याद होना चाहिए तो द करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी इज करेक्ट आंसर तो आयरन इज नॉट यूज इन फूड पैकेजिंग ये तो हो गया आपका ऑप्शन क्यों नहीं किया जाता है? ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है तो यहां पर आयरन हैज ग्रेटर चांसेस ऑफ रस्टिंग रस्टिंग होने के चांसेस ज्यादा होते हैं इसलिए इसको यूज नहीं किया जाता विच इज यूज एज प्रोटेक्टिव लेयर फॉर स्टील इनमें से कौन सा वाला आपका कंपाउंड है जो यूज किया जाता है स्टील की लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए चलिए देख लेते हैं फर्स्ट दिया है आपका क्या क्रोमियम सेकेंड दिया है एल्यूमिनियम थर्ड दिया है बोरॉन और फोर्थ दिया है आयरन तो याद रखिएगा प्रोटेक्टिव लेयर का मतलब क्या होता है जो स्टील होती है उसके ऊपर इस मटेरियल को यूज करते हैं जिससे उसके ऊपर वो एज ए प्रोटेक्टिव लेयर क्या करता है वर्क करता है जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होने वाली रिएक्शन से वो क्या करता है उसको बचाता है प्लस मॉइस्चर से उसको बचाता है तो ये सारी चीजें आपकी क्या करता है वो प्रोटेक्ट करता है तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर याद रखिएगा क्रोमियम जो होता है आपका ये यूज किया जाता है आपके जनरली स्टील की एज ए प्रोटेक्टिव लेयर यूज किया जाता है तो द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा तो so, यहां पर देख लीजिएगा यूज एज ए प्रोटेक्टिव लेर फॉर स्टील के लिए भी आपका यूज किया जाता है नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है यहां पर बॉक्सिस एंड कार्टन आर कवर्ड इन विच टाइप ऑफ पैकेजिंग इन फार्मास्यूटिकल्स जो कार्टून्स होते हैं आपके जो आपके बॉक्सेस होते हैं ये किस टाइप की पैकेजिंग में आते हैं तो मैंने जस्ट आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो पैकेजिंग मटेरियल्स होते हैं उनसे जब हम किसी भी प्रोडक्ट को पैक करते हैं तो तीन कैटेगरी होती है प्राइमरी पैकेजिंग सेकेंडरी पैकेजिंग और टर्सरी पैकेजिंग तो याद रखिएगा जो बॉक्स होते हैं जो कार्टून्स होते हैं ये आते हैं आपके सेकेंडरी पैकेजिंग में तो देख लेते हैं यहाँ पर ऑप्शन प्राइमरी पैकेजिंग में जी नहीं सेकंड Second, आपका सेकेंडरी पैकेजिंग जी हाँ सेकेंडरी पैकेजिंग में आपके क्या आते हैं ये बॉक्सेस और कार्टून आते हैं तो द करेक्ट ऑप्शन इज आपका सेकेंडरी पैकेजिंग तो सेकेंडरी पैकेजिंग सिस्टम में आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या दिए हैं पैकेजिंग मटेरियल दिए हैं इसको अच्छे से कवर करना है आपको कार्टून हो गया बॉक्स हो गया सिपिंग कंटेनर हो गया उसके साथ इंजेक्शन स्प्रे हो गए ये सभी क्या है सेकेंडरी पैकेजिंग है तो so क्वेश्चन कहीं से भी पूछे आप उसको ईजिली क्या पाए? कर पाए सॉल्व कर पाए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है यहां पर पैकेज टेस्टिंग इंक्लूडेड जो पैकेज टेस्टिंग होती है उनमें कौन कौन से टेस्ट आपके क्या किए जाते हैं यूज किए जाते हैं देख लेते हैं फर्स्ट दिया है आपका क्या शॉक टेस्ट एंड ड्रॉप टेस्ट जी हां शॉक टेस्ट और ड्रॉप टेस्ट ये आपका यूज किया जाता है पैकेजिंग मटेरियल के टेस्टिंग के लिए सेकंड आपका दिया है इंक्लाइंड इंपैक्ट टेस्ट ये भी यूज किया जाता है और थर्ड है आपका वाइब्रेशन टेस्ट ये तीनों ही टेस्ट आपके क्या किए जाते हैं यूज किए जाते हैं किसी भी पैकेजिंग मटेरियल को टेस्ट करने के लिए क्लियर है चलिए तो तो द द ऑल ऑफ अब क्या क्या हो हो right हो जाएगा तो हो जाएगा जाएगा राइट आंसर आंसर करेक्ट डी आपका क्या है करेक्ट आंसर है तो so, कंप्रेशन टेस्ट हो गया टेंसाइल टेस्ट हो गया वाइब्रेशन टेस्ट हो गया ड्रॉप टेस्ट हो गया इंपैक्ट टेस्ट हो गया ये सभी टेस्ट किए जाते हैं आपके किसी भी प्रोडक्ट के पैकेजिंग मटेरियल को टेस्ट करने के लिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया हुआ है आज का लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है आई होप यहां तक सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे लास्ट क्वेश्चन को भी अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं वाटर अटैक टेस्ट मेनली फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ विच टाइप ऑफ ग्लास मटेरियल वाटर अटैक टेस्ट की बात हो रही है तो ये जो क्वेश्चन है आपका ये आया है किससे ग्लास वाले पार्ट से ग्लास में आपके जनरली दो टाइप के टेस्ट होते हैं पाउडर ग्लास टेस्ट पाउडर टेस्ट होता है आपका और एक होता है आपका वाटर अटैक टेस्ट तो याद रखिएगा वाटर अटैक टेस्ट जो होता है ना वो आपका किससे होता है आपका जनरली आपके सेकंड टाइप ऑफ ग्लास से याद होता है तो याद रखिएगा ट्रिक मैं बता दूंगा तो कभी नहीं भूलेंगे वाटर अटैक टेस्ट किसके साथ होता है अभी जस्ट ट्रिक बता दूंगा लास्ट में आप बने रहें पूरा इस वीडियो को देखें फर्स्ट दिया है टाइप वन सेकेंड दिया है टाइप टू थर्ड दिया है आपका टाइप थ्री और फोर्थ दिया है आपका टाइप फोर तो याद रखिएगा वाटर अटैक टेस्ट जो होता है वो किसके लिए होता है? टाइप टू ग्लास के लिए होता है अब याद कैसे रखेंगे सर आप ट्रिक बताने वाले थे तो याद ऐसे रखना है देखिए टाइप टू टाइप टू का मतलब क्या हो गया टी हो गया टी फॉर क्या हो गया टाइप टू हो गया क्योंकि टू को भी हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं और जो टाइप टू ग्लास होता है ये क्या होता है ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास होता है कैसा होता है ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास होता है इसमें आपको टी देखने को मिलेगा तो एक टी और ले, ले लेते हैं प्लस वन टी हो गया तो टू को रिप्रेजेंट करेगा एक टी और ट्रीटेड ग्लास को रिप्रेजेंट करेगा आपका सेकेंड टी तो इसको क्या बोलेंगे टी टू बोलेंगे क्या बोलेंगे टी टू अब टी टू का मतलब ऐसे याद रखिएगा टी टू किसी लड़के का नाम है किसका नाम है टी टू किसी फ्रेंड का नाम है और वो जो टी टू है वो टी टू क्या करता है टी टू वाटर ज़्यादा पीता है यानी कि टी टू क्या है पानी बहुत पीता है तो कभी नहीं भूलेंगे आप इस टेस्ट को बाकी सारे पाउडर वाले टेस्ट हैं ये आपका क्या है वाटर अटैक टेस्ट है तो टी 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 टू यानी कि टी टू किसी का नेम हो गया किसी लड़के का नेम हो गया तो क्या याद रखना है टी टू जो है वो वाटर बहुत ज़्यादा पीता है तो इससे आप कभी भी क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे आई होप कि ऑप्शन भी आपको पता चल गया होगा और कभी आप भूलेंगे भी नहीं सेकेंड ट्रीटेड वाटर अटैक बाकी सब पाउडर ग्लास पाउडर ग्लास और पाउडर ग्लास तो ये थे डियर स्टूडेंट कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फार्मास्यूटिकल फार्मास्यूटिक्स से रिलेटेड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ थैंक यू सो मच